कितने कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके सॉन्ग के लिए, काफी अच्छा सॉन्ग लग रहा है और काफी केमिस्ट्री ठीक ठीक कर निकल गया। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग को अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा। और जब सॉन्ग की बात करें, कैसा रहा शूट एक्सपीरियंस वो बताइए। बहुत खूबसूरत रहा मेरा शूट एक्सपीरियंस। हम लोग एक तो आउटडोर गए थे, तो आउटडोर जाने ही एक अलग फ़न सेगमेंट होता है, और हम भोपाल गए थे। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, हरा भरा ग्रीनरी थी। हम और हम जहाँ रुके हुए थे ना, वो काफ़ी आइसोलेटेड जगह थी, और जहाँ रुके थे उन्होंने इतने ब्यूटीफुली ऐसे विंटेज डेकोरेशन करके रखा था। उनका इंटीरियर इतना हवेली वाला फील दे रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम शूटिंग करने तो आए नहीं हैं, हम घूमने आए हुए हैं। सो इतना प्यारा था हमारा शूटिंग एक्सपीरियंस। प्लस शूट इज़ ऑलवेज फन। संजय के साथ काम करके कैसा लगा? यार संजय से भी पूछो मेरे साथ काम करके कैसा लगा। बट नहीं, संजय के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ आवर शूट आई टोल्ड हिम दैट कांट वेट टू वर्क विद हिम अगेन, बिकॉज इट्स फन वर्किंग विद हिम। हम लोग इट्स फन व्हेन यू नो योर एक्टर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड एज मच एज यू आर इन द स्क्रिप्ट और इन द म्यूज़िक वीडियो। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूज़िक वीडियो तो बस ऐसे ही हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। इमोशंस उसमें भी चाहिए होते हैं, एक्ट उसमें भी करना पड़ता है, थॉट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो संजय जब इनपुट दे रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार यहाँ काम करने में मज़ा आएगा, बिकॉज सामने वाला भी उतना ही पैशनेट है जितना आप हो। सो बस फाइन। यार हम लोग का तो एक ही दिन में बॉन्ड हो गया था। आई थिंक सो व्हेन यू व्हेन इट कम्स टू माय वर्क, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट ओनली व्हेन इट कम्स टू माय वर्क। तो जब मैं काम पे जाती हूँ तो मेरा तो यही रहता है जितनी जल्दी आप किसी के साथ बॉन्ड हो सको, बात कर सको, अच्छा है, बिकॉज काम करने में आसानी होती है। और आई थिंक वही माइंडसेट संजय का भी था, इसीलिए हम लोग जब रिहर्सल के दिन मिले थे, हम लोग एयरपोर्ट पे मिले ज़रूर थे पर इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, बट जब हम रिहर्सल पे मिले थे तो पूरा दिन साथ में ही थे, तो काफ़ी इंटरेक्शन भी हुआ। एंड व्हेन यू आर डांसिंग आपको बॉडीली भी कम्फर्टेबल होना होता है, आपको एक्शन वाइज भी कम्फर्टेबल होना होता है। तो He had comforted me, I comforted him, and that is how we bonded. और सॉन्ग की बात करें, सॉन्ग में काफी जो बैकग्राउंड है वो काफी अनोखा लग रहा है। मतलब कुछ बताना चाहेंगे, मतलब वहाँ की शूट के एक्सपीरियंस थोड़ा कुछ बताइए, कितना मस्ती हुआ वहाँ पे? बहुत मस्ती हुआ यार, हमने खाया भी। हम जैसे एक लेक गए हुए थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट लेक, वहाँ पे हमने चना जोर गरम खाया मैंने और संजय ने। और हम जहाँ पे भी जा रहे थे तो हम शूट कम कर रहे थे, वादियाँ ही ज़्यादा घूम रहे थे शायद, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार। एज आई सेड मौसम बहुत प्यारा था, तो कहीं भी जा रहे थे तो मज़ा आ रहा था। एक मेरा सीक्वेंस है जिसमें मैं दिशांक के पीछे बाइक पे बैठी हुई हूँ, सो दिशांक और मैंने बहुत मस्ती करी है। हम लोग बाइक से जा रहे थे तो हम शूटिंग चल रही थी पर हम अपनी बातें कर रहे थे, अपनी मस्ती कर रहे थे। एक जगह रुक के हमने शूट किया था, वहाँ पे भी हम ऐसा था ना कि हम अपने मोमेंट्स हमारे क्रिएट हो रहे थे। हमारा डायरेक्टर कह रहा था हाँ जो तुम कर रहे हो करते रहो, और उसने पीछे से रिकॉर्ड कर लिया। सो वैसे करके हमारी मस्ती चल रही थी। यार मेरी फिटनेस मंत्र इस वक्त कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली शूटिंग फॉर समथिंग। तो अभी बहुत टाइम से मैंने वर्कआउट नहीं किया है, बट फॉर फिटनेस व्हेन आई एम जेन्युइनली गिविंग माय बेस्ट आई डू मार्शल आर्ट्स एंड आई डू रनिंग। और बिग बॉस कितने देखेंगे आप? कोई बिग बॉस में आपके कोई फ्रेंड्स है जो यार बिग बॉस देखने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, आई स्वेयर। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कौन कौन है बिग बॉस में और बिग बॉस में क्या चल रहा है। आपको जाने का कभी है मतलब मैं बिग बॉस में जाऊँ, हंगामा करूँ, नेशनल हेडलाइंस बने? ना, इसी रीज़न की वजह से मैं नहीं जाना चाहती हूँ बिग बॉस में। बट देन उसमें और भी चीज़ें होती हैं, उसमें चैलेंजेस होते हैं ना, आई लव चैलेंजेस। तो डेफिनेटली आई विल गिव इट अ ट्राई बिग बॉस। आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं फैंस को बोलना चाहूँगी दैट थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी पेशेंटली। अब मैं फाइनली एक प्यारा सा कंटेंट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगे, क्योंकि ये एक मेरा नया रूप है, एक मेरा नया किरदार है जो मैं निभा रही हूँ। और जैसे आपने सब किरदार, मेरे सारे किरदारों को प्यार दिया है, प्लीज़ इसे भी अपना प्यार दीजिएगा।